हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ इंचेंटिंग पैलेट का रिव्यू और बोल सकते हैं उससे कोई मेकअप लुक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। जो भी है मेरा ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा इसमें। और इंचेंटिंग पैलेट इसका नाम है और कफ्स एंड लैशेस का ये लॉन्च है और इसकी जो ओनर है वो निधि कटियार है। अगर आपको नहीं पता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो भी मैं बता दे रही हूँ। ये रिटेल करता है 1499 रुपीज पर। ये आपको कफ्स एंड लैशेस पे 999 रुपीज का मिल जाएंगे। और अगर आप पहले पेमेंट कर देते हो तो शायद से फ्री डिलीवरी है, ऐसा कुछ तो भी है। ओके, तो पैलेट के बारे में बात करते हैं। यू कैन सी पैलेट में इतने ज्यादा शेड्स हैं, टोटल 39 शेड्स हैं। तो मतलब ये एक पैलेट ऐसा है कि इसमें आपको न्यूट्रल से लेके थोड़े कलरफुल और शिमर शेड्स भी मिल जाएंगे और मेटेलिक्स भी है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नाउ वी विल सी कि ये पैलेट का मतलब पिगमेंटेशन क्या है और इससे मैं आई लुक करने वाली हूँ। एंड या आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा बातें हो गई है, चलो फटाफट से बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो थोड़ा क्लोज ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ कफ्स एंड लैशेज़ का E05 ये ब्रश। एंड ये थोड़ा सा पिक ब्लेंडिंग ब्रश है। ये जो पिंक कलर है बहुत ही लाइट बेबी पिंक कलर है, इसको पिक करूँगी। एंड ब्रश भी काफ़ी अच्छे से पिक कर रहा है कलर को, यू कैन सी। एंड थोड़ा सा एक्सेस है। आप लोग सोचेंगे कि कलर नहीं दिख रहा है, क्योंकि कलर ही उतना ही लाइट है। कलर का नाम ही एकदम बेबी पिंक है, मतलब नाम तो नहीं दिया है, मैं बता रही हूँ बहुत ही बेबी पिंक है। नाउ आई एम टेकिंग दिस पिंक कलर और काफ़ी मतलब ब्राइटन अप वाला पिंक है। ये वाला पिंक ट्राई करेंगे। एंड पिंक लुक्स थोड़ा चौकी, बट विल सी कि पिगमेंटेशन कैसी है। इफ अगर मैं कंसीलर लगाती और फेस को एज अ लाइनर लगाती तो भी ये काफी अच्छा लगता, पर विदाउट कंसीलर भी इसकी पिगमेंटेशन काफी अच्छी है, हल्का सा पाउडरी है। सो गाइस, दोनों आंखों पे मैंने कर दिया है और ये लुक शायद ही मैंने कभी किया हो ऐसा, अपने मन से कुछ भी कर रही हूँ। तो कभी कभी ट्राई करना चाहिए ना ऐसे ऐसे लुक। तो नेल्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ठीक है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको कंसीलर से ऐसे कट वगैरह करती हूँ, मतलब आई डोंट नो मैं क्या सोच रही हूँ, देखते क्या होता है या नहीं। मैं क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता, बस कर रही हूँ। अब इतना बड़ा इतना कलरफुल पैलेट है तो मैं सोच रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा, अदरवाइज मैं नहीं करने वाली थी, मैं सिंपल सा ही कोई लुक करने वाली थी। बट आई विल टेक येलो। येलो इज नॉट दैट पिगमेंटेड। इसके बाद मैं ले रही हूँ ब्लू, देन आई एम टेकिंग ग्रीन, एंड एंड में मैं पिंक लगा दी। सो गाइस, एक बात बताओ क्या, वैसे पर्सनली मुझे इस टाइप के लोग उतने अच्छे नहीं लगते, पर मेरी बहुत इच्छा थी तो दैट इज़ वाई मैंने सोचा नहीं मैं करूँगी, तो मैंने ये किया। एंड कभी कभी देख लेना चाहिए ऐसे भी लोग। तो अभी मैं सेम पैलेट में से ये कॉन्टोर शेड ले रही हूँ। और ओके, तो ये पैलेट में से ये ब्राउन, ये बहुत सारे ब्राउन है, तो ये शेड ले रही हूँ और उससे कॉन्टोरिंग करूँगी। काफ़ी पिगमेंटेड है जो ब्राउन कलर्स है ना, काफ़ी पिगमेंटेड है। इवन जो ग्रीन है, जो ब्लू है, वो बहुत ही अच्छे पिगमेंटेड है। ओके, तो ऐसे लुक आपने मेरे पे कभी देखे नहीं है, तो शायद इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर अब मैंने थोड़ा शूट किया है तो मैं इसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहती। ओके, तो मैं फटाफट से आईब्रोज, लिपस्टिक और मस्कारा लगा कर आती हूँ। सो गाइस, दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। एंड या मैंने इसमें एक चीज़ ऐड की है, जो कि ये जो कलर है ना, ओ माई गॉड, द पिगमेंटेशन इज सुप्रीमली ऑसम। यहाँ पे जो लगाया है मैंने इनर कॉर्नर पे, उसके अलावा मैंने आईब्रोज ब्लू हेवन की आईब्रो डिफाइनर से फिल की है। उसके अलावा लिपस्टिक आपको बताना है कि मैंने कौन सी लगाई है। मैं हमेशा यही शेड आजकल वेयर कर रही हूँ, तो कमेंट करके बताओ। अब मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कितना जानते हो। और उसके अलावा लैशेज मैंने, मुझे नाम नहीं पता, पर बहुत ही अमेजिंग लैशेज है, कभी इस पर वीडियो बनाऊँगी मैं डेफिनेटली। और कुछ नहीं लगाया है। मस्कारा मैंने लगाया है बेला वॉस्टे का, दिस वन बेला वॉस्टे का मस्कारा लगाया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस लुक इज़
सो गुड. सच बताओ तो मैंने कोई लुक डिसाइड नहीं किया था, जस्ट हम लोग ऐसे रैंडमली कर रहे थे एंड आई थॉट कि वो पिंक रहने दूंगी, पर मैंने बाद में सोचा कि इतना बड़ा पैलेट है एंड मैं किसी पैलेट का रिव्यू कर रही हूँ तो आई थिंक आई शुड ट्राई मतलब ज़्यादा कलर ना, मोर कलर, सो दैट उसका पिगमेंटेशन पता चले और सब कुछ पता चले. तो आई यू मतलब कैजुअली सी यू इधर उधर से करने लग गई मैं, और ऐसे लुक्स मैं कभी नहीं ट्राई करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ, एंड इट टर्न आउट्स सो वेल ना, बहुत ही अच्छा आया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जो शिमर है जो पिगमेंट्स है प्रेस पिगमेंट्स ये यूज़ करने के लिए, पर मैं किसी और वीडियो में करूँगी. एंड ये लुक इतना अच्छा लग रहा है मुझे, आई डोंट नो कैमरे में आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, पर रियल में तो बहुत अच्छा लग रहा है. और इसकी पिक्स वगैरह देखना चाहते हो ना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो क्योंकि वहाँ पे मैं पिक्स डालूंगी. एंड यस, ये पैलेट के स्वॉचेस भी मैंने ऑलरेडी कर चुके हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे भी डाला था मैंने स्वॉचेस. फिर भी अगर आप स्वॉचेस देखना चाहते हो तो ये है ब्लू का स्वॉच. गाइज इसको ना बिल्डअप करूँगी तो आपको बहुत ही अच्छा देखने मिलेगा. ये है ग्रीन एंड पिगमेंटेशन में कोई कमी नहीं है, मैं सच बोलूंगी पिगमेंटेशन काफी अच्छी है. ओ सॉरी, पिगमेंटेशन देख सकते हैं आप लोग, ये पिंक पे गलती से डबल लग गया और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है पिगमेंटेशन. और ये वाला तो एकदम बटर है भाई साहब, लुक ये बिल्कुल बटर है, काफ़ी सही वाला है. और चलो ब्राउन भी थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं. लुक ये ब्राउन एंड थोड़ा सा पर्पल ले लेते हैं, पर्पल थोड़ा सा डार्क बरगंडी है ये बरगंडी. और मैं नहीं चाहती कि मेरे जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही स्वॉच करूँगी. एंड ये देखो ये जो है ना प्रेस पिगमेंट्स आर टू गुड, मुझे बहुत ही अच्छे लगे क्योंकि मेरे पास में SFR कलर का जो पैलेट है आपको पता है मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं उसके अलावा कोई और पैलेट तो यूज़ ही नहीं करती हूँ. पर गाइस ट्रस्ट मी, ये जो पिगमेंट्स है काफ़ी अमेजिंग है और मुझे उतना तो नॉलेज नहीं है, पर जो ये पिगमेंट है ना बहुत ही अच्छे मतलब प्रेस हुए हैं और काफ़ी अच्छे इसकी फिनिश आई है. ये जो पिगमेंट्स है आपको यहाँ पे लगाने के लिए ग्लू वगैरह कोई एक्स्ट्रा ग्लू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको ऐसे ही प्लेस कर सकते हो एंड यू आर रेडी टू गो. पर फिर भी अगर आप लगाना चाहो तो डेफिनेटली इट्स योर चॉइस. ये जो कलर है बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन कलर थियरी काफ़ी अच्छी दी गई है. अगर आप कलरफुल मेकअप करना चाहो, जैसे भी मेकअप करना चाहो आप कर सकते हो. एंड अगर इसका प्राइस 999 rupees है तो इट्स ओके फॉर मी, पर 1499 इट्स कॉस्टली फॉर मी, ऐसा मुझे लगता है. 1499 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पर 999 1000 rupees इज ओके. और ये जो कलर थेरी है काफ़ी पसंद आई है मुझे. कुछ कलर है जो थोड़े से चौकी है और थोड़े से कम लीस्ट पिगमेंटेड है, जैसे कि पिंक वन जो मैंने लाइट में पिंक लगाया था, पर जो डार्क वन है वो काफ़ी अच्छा है. एंड लिटरली मैं अपने आप को देख देख के इसे ये कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है. कॉन्टोरिंग भी मैंने इसी शेड से किया है, मतलब इसी पैलेट में से किया है. यू कैन डू हाईलाइटिंग ऑल्सो यहाँ से, ये जो पैलेट ये वाला है ये कलर से अपने स्किन टोन के हिसाब से हाईलाइट कर सकते हो. और ओवरऑल आई जस्ट लव दिस पैलेट, और ऑनेस्टली स्पीकिंग लव दिस पैलेट, अच्छा लग रहा है. बस मुझे एक थोड़ा सा लगा, मतलब आई थिंक सो कि निधि दी को भी शायद ये चीज़ पता हो, नहीं पता हो, आई डोंट नो, और मुझे नहीं लगता कि वो मेरा वीडियो देखेंगी भी. मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन भी कर रहे हैं एंड आप बहुत मतलब आप जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दे रहे हो. बस मैं थोड़ा सा बोलूँगी कि जो पैकेजिंग है वो थोड़ी सी ऐसी फिनिश, अगर फिनिशिंग वाली पैकेजिंग रहेगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा. मतलब अगर हम भी अगर 1000 rupees किसी पैलेट में स्पेंड कर रहे हैं, आपने खुद बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया है, तो अगर आप हम 1000 rupees पे कर रहे हैं तो थोड़ी सी फिनिशिंग दीदी, थोड़ी सी फिनिशिंग अगर हो जाती तो काफ़ी अच्छी होती. बाकी ओवरऑल लव दिस पैलेट और काफ़ी अच्छा है. एंड या फिर हो सकता है शायद मुझे ही उनका ये वाला पैलेट रिसीव हुआ, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा डैमेज था, यहाँ से देखो थोड़ा सा डैमेज है और बहुत कम, मतलब लगेगा भी नहीं, और थोड़ा सा यहाँ से मुझे उतना थोड़ा सा ये लगा, पर ओवरऑल जो पिगमेंटेशन है पैलेट के ऊपर तो बहुत ही अमेजिंग है. यू कैन सी द स्वॉचेस, बहुत अच्छे लगे मुझे. आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा हो, नहीं लगा है तो डिसलाइक करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन ने भी पहली बार ट्राई किया है और मैं अपने फर्स्ट एक्सपीरियंसेस इतने शेयर कर रही हूँ, ये नेल्स का, आईलैशेस का, लेंसेज का वगैरह वगैरह, तो ये भी एक सही, तो ये कुछ अलग सा लुक किया है. और सच बताओ मैं ये लुक को बीच में अबॉर्ट करने वाली थी कि नहीं हम कैंसिल कर देते हैं, बट आई थॉट चलो ना ट्राई कर लेते हैं मतलब. तो ये लुक इतना अच्छा टर्न आउट हुआ है, जस्ट लव द वे इट टर्न आउट. बट इसका पूरा क्रेडिट तो इस पैलेट को जाता है क्योंकि पैलेट बहुत ही अच्छा है. और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आपको करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और लिपस्टिक मैंने कौन सी लगाई है ये ज़रूर बताना. बाय.